यूपी के बलिया में डीएम ऑफिस से कुछ पुलिस वाले एक आदमी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगे। आरोप है कि भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर पहुंचे छात्र नेता नागेंद्र बहादुर सिंह का डीएम से बातचीत के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद डीएम ने उन्हें अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। लेकिन नागेंद्र बहादुर अपने कुछ समर्थकों के साथ डीएम की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गया और डीएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। नागेंद्र का आरोप है कि जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर वो डीएम के पास गया था, लेकिन डीएम ने उससे बदसलूकी और गाली देकर उसे बाहर निकलवा दिया, जबकि डीएम ने नागेंद्र पर जबरन दफ्तर में घुसकर हंगामा करने का आरोप लगा दिया। वो आए अपना, उनकी ना तो कोई प्रार्थना पत्र था ना कोई शिकायत थी, तो घूमते हुए अपने चार पांच लड़कों के साथ आए और जोर से शोर मचाने लगे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने धरना दे रहे छात्र नेता को जबरन वहां से हटा दिया। पंजाब के गुरदासपुर जेल में कैदियों ने भारी हंगामा किया है। दरअसल जेल में चेकिंग के दौरान 8 नंबर बैरिक से 3 मोबाइल फोन मिलने के बाद कैदियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कैदी जेल की छतों पर चढ़ गए, जबकि कुछ कैदियों ने बैरकों में आग लगा दी। पंजाब के गुरदासपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरदासपुर जेल में कैदियों ने भारी हंगामा किया है। चेकिंग के दौरान एक बैरक से आठ नंबर बैरक से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उसके बाद कैदियों का हंगामा शुरू हो गया। कुछ कैदी छत पर चढ़ गए और बैरकों में आग भी लगा दी गई। पंजाब के गुरदासपुर की ये तस्वीरें। गुरदासपुर जेल में कैदियों ने हंगामा कर दिया जब एक बैरक से 3 मोबाइल फोन मिले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैदी जेल की छत पर चढ़े हुए हैं। मोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहित, किस तरह ये हंगामा शुरू हो गया, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पंजाब की कई जेलों में इस तरह का चेकिंग अभियान चल रहा है, जो जेलों के अंदर कैदियों के मोबाइल इस्तेमाल करने और फेसबुक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जो कई बातें सामने आई हैं, जिसके बाद पूरा एक चेकिंग अभियान चल रहा है। तो आज पंजाब के गुरदासपुर की जेल में चेकिंग अभियान किया गया, जिस दौरान कैदियों से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। लेकिन इसके बाद कैदियों ने काफी हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने जेल के कई अलग अलग चैम्बर है वहां पर आग लगा दी और सुरक्षा कर्मियों को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद कैदी गुस्से में आकर फिलहाल जेल की छत पर चढ़े हुए हैं और उन पर काबू पाने के लिए बाहर से और भी पुलिस फोर्स मंगाई जा रही है, ताकि उनको जेल के अंदर काबू किया जा सके और उनको जेल की छतों से नीचे उतारा जा सके। जी शुक्रिया मोहित। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मायावती के सरकारी बंगले पर बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के नाम का एक बोर्ड लगा दिया गया। राज्य सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिला सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी होने के बाद ये बोर्ड मायावती के सरकारी आवास पर लगाया गया, ताकि दलित नेता कांशीराम के बहाने इस बंगले को छीनने से बचाया जा सके। बोर्ड पर कांशीराम की तस्वीर के साथ श्री कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल लिखा गया, जिसे मायावती का सियासी पैंतरा माना जा रहा है। जब ये बंगला सरकार खाली करवाएगी तो मायावती पूरे देश और प्रदेश में दलित कार्ड खेलेंगे और ये कहेंगी कि मेरा घर नहीं बल्कि काशी राम का जो यादगार स्थल है। हालांकि मायावती का एक निजी मकान 9 मॉल एवेन्यू रोड पर मौजूद है, जिसकी रंगाई पुताई का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती इसमें शिफ्ट हो जाएंगी। मायावती ने इस निजी आवास को साल 2010 में खरीदा था, जिसकी मौजूदा कीमत 25 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सुरक्षा का हवाला देते हुए अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर और वक्त मांगा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक बड़ी पार्टी के, तो उनसे हजारों लोग मिलने आते हैं और इसलिए व्यवस्था करने में थोड़ा वक्त लगेगा। उधर सत्ताधारी बीजेपी ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगला प्रेम पर उन्हें दो टूक नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना राज्य सरकार का दायित्व भी है और अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वही पालन सुनिश्चित करे, बंगला जल्दी खाली कर दे। सरकारी बंगला खाली करने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों की फेहरिस्त में राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह का नाम भी शामिल है, जिन्होंने बंगला खाली करने की तैयारी कर ली।